हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम अनीता शर्मा। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। देखो बेटा, ये आपकी सेकंड क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है इसका नाम? कभी ना हो अभिमान मुझे। क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि हमको कभी अपने पे अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखो नीचे क्या लिखा है, बताओ आपके परिवार में पूजा कैसे की जाती है। अब आप लोग के परिवार में जो भी हैं, जैसे भी हैं पेरेंट्स, आपके बच्चों, आपके परिवार में जैसे भी पूजा की जाती है, आप वो देखिएगा इसको, ठीक है? चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। कविता क्या है ये? कविता, कविता देखिए, सबके मन में कुछ ना कुछ बनने या पाने की इच्छा होती है। बच्चों आप सबके मन के अंदर होता होगा ना कि मैं ये बनूंगा, या मैं पुलिस बनूंगा, या मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है? आओ जाने कि ये बच्चे अपने लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब कि आप बच्चों ईश्वर से आपके लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको क्या बनना है? कि भगवान जी हमको डॉक्टर बना दीजिएगा, कि हे भगवान हमको पुलिसमैन बनाइएगा, ठीक है? तो सबके मन में कुछ ना कुछ आशा होती है, ठीक है बेटा? तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सच्चा इंसान बन सकूं। कैसे? क्या बन सकूं बेटा? सच्चा इंसान बन सकूं। मतलब सबके मन के अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि आप सच्चे इंसान बन सको, ठीक है? छल कपट से रहे कोसों दूर। मैं सच्चा इंसान बनूं और दुनिया के छल कपट से मैं कहां रहूं? बहुत दूर रहूं, ठीक है? मेरी वाणी हो बंसी सी। आपकी बोली कैसी होनी चाहिए? मधुर, बंसी जैसी। कैसी? बंसी जैसी। अपने पन से हो भरपूर। और आपके अंदर क्या होना चाहिए बेटा? उस बोली के अंदर अपनापन होना चाहिए। जो आप दूसरों से बात करो, उनको ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चा है मेरे से अपने पन से बात कर रहा है, ठीक है बेटा? तो आपके अंदर कैसी बोली होनी चाहिए? मीठी वाणी होनी चाहिए, एकदम मीठी बोली होनी चाहिए, ठीक है? मित्र बनूं मैं दीन दुखी का। आप किसके मित्र बनोगे? जो दुखियारे होते हैं ना बेटा, जो दुखी लोग होते हैं। दुखी मतलब आपने देखे हैं ना, जो परेशान होते हैं बहुत, तो उनको उनका आपको मित्र बनना है। क्या बनना है? मित्र बनना है। सदा शौक बना रहे सेवा का। किसका शौक बना रहे? आपका सेवा का। सेवा आप जानते हैं, जैसे कि माता पिता की सेवा करते हैं, जो परेशान होते हैं उनकी सेवा करते हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, ठीक है? मुझसे सब प्राणी सुख पाए, मन से सबकी मिले दुआएं। इसमें पता है क्या होता है बेटा? जब हम मनुष्य जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वो हमको क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो उससे हमको क्या मिलती है? दुआएं मिलती हैं। क्या मिलती है? दुआएं मिलती हैं। तो इसमें यही बताया है, मुझसे सब प्राणी सुख पाए, मुझसे सब मनुष्य सुख पाए और मैं सबको सुखी करूं और मन में सबकी मिले दुआएं। मन से सबकी मतलब कि दूसरे के मन में हमारे लिए दुआएं होनी चाहिए, ठीक है बेटा? सबका मैं सम्मान करूं। सबका क्या करूं मैं? सम्मान करूं। सम्मान मतलब समझते हो ना, सम्मान करना चाहिए बेटा। कभी अपने पे अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सम्मान मतलब इज्जत। क्या? इज्जत मतलब प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो, आप करके बात कीजिए सबसे। इस तरीके से हमें सबका क्या करना चाहिए? सम्मान। माता पिता का नाम करूं। इसमें किसका नाम होता है जानते हो आप? माता पिता। क्योंकि बच्चों को माता पिता शिक्षा देते हैं, ठीक है? शिक्षक शिक्षा देते हैं, तो उसमें सबका क्या होता है? सम्मान होता है। कैसे कि? जैसे कि देखो, सबका मैं सम्मान करूं, माता पिता का नाम करूं। बोलते हैं ना, अरे ये तो उसका बच्चा है, कितने सम्मान के साथ बात करता है, कितने अच्छे से बात करता है, कितने अच्छे से बोलता है ना बेटा? कभी ना हो अभिमान मुझे, दो प्रभु ये वरदान मुझे। मुझे कभी भी अपने पे क्या नहीं होना चाहिए? घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान जी आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कभी भी अपने पे क्या नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, और मैं दूसरों की हमेशा सेवा के लिए आगे बढ़ूं, ठीक है? अब देखो मैं दोबारा पढ़ती हूँ बेटा।
मैं सच्चा इंसान बन सकूं, छल कपट से रहे कोसो दूर। मेरी वाणी हो वंशी सी, अपनेपन से हो भरपूर। मित्र बनूं मैं दीन दुखी का, सदा शौक बना रहे सेवा का। मुझसे सब प्राणी सुख पाएं, मन से सबकी मिले दुआएं। सबका मैं सम्मान करूं, माता पिता का नाम करूं। कभी न हो अभिमान मुझे, दो प्रभु ये वरदान मुझे। समझ में आया बेटा सबको? आप सबको ये कविता क्या करनी है, लर्न करनी है। और आपके मन के अंदर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। सबके साथ आदर के साथ बात करो, सम्मान के साथ बात करो। सबको इज्जत दो, अपने माता पिता को इज्जत दो, अपने शिक्षकों को इज्जत दो। ठीक है बेटा? तो आपको क्या करना है, ये कविता लर्न करनी है। अब इसकी एक्सरसाइज मैं दूसरे दिन बताऊंगी आपको, ठीक है? तो अभी तब तक, जब तक मैं एक्सरसाइज बनाऊंगी तब तक आपको ये लर्न करनी है। ओके ओके, बाय बेटा, थैंक यू।